गांधीनगर विधानसभा के कांतिनगर में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का खुला तीसरा सेंटर। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने आज गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन द्वारा राजकीय कन्या सर्वोच्च माध्यमिक विद्यालय कांतिनगर स्कूल में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए तीसरे सेंटर का उद्घाटन किया। विधायक वाजपेयी ने इसके पहले दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार और डीएम छात्रा को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र में एक भी कोविड वैक्सीन सेंटर खोलने की मांग की थी। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि इस तीसरे सेंटर के खुलने से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने में ज्यादा सहूलियत होगी। वाजपेयी ने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल में आ रही है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे गांधीनगर विधानसभा में वैक्सीन के 3 सेंटर खुल गए और यहां सेंटर में गांधीनगर को छोड़कर दूसरी विधानसभा के लोग आ रहे हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा है, हर विधानसभा का पिन कोड नंबर है, पिन कोड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया जाए। इस अवसर पर विवेक बिहार के SDM देवेंद्र शर्मा के अलावा स्कूल के दोनों शिफ्ट के प्रिंसिपल व RWA के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कांतिनगर में दूसरा हमारा की ओर से वैक्सीन सेंटर जो है वो शुरू किया गया और इसमें साइट 1 और साइट 2 दो कमरों में स्टार्ट करा दिया है और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ेगा 5 कमरों में 5 साइटों में इसको यहाँ पर शुरू करा जाएगा और जिससे यहाँ से लोगों को काफ़ी फायदा है। और हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि इस ऐप के अलावा एक ऐसी ऐप तैयार हो जाए जिसमें जो आपका पिन कोड नंबर है, पिन कोड नंबर से इसको स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लो कोई आदमी गांधीनगर में रहता है और उसका 11031 पिन कोड नंबर है, विधानसभा के लोगों को मिलना चाहिए। जैसे सादरा है, दिल्ली 32 है, तो जो सादरा दिल्ली 32 में अगर डालेगा उसको सादरा के लोगों को उनको वो करना चाहिए। इस तरह 70 विधानसभाओं में अलग अलग ये स्टार्ट करना चाहिए। तो कई बार दिक्कत भी आती है कि हमारे इस सेंटर में बहुत से लोग फरीदाबाद, गुड़गावा, मेरठ तक से आसपास के लोग आए हैं, तो इस विधानसभा का फायदा कम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात करें। धन्यवाद प्रशासन का, डीएम साहब का, और डीएम साहब का सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज अच्छी व्यवस्था कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।